जोगी जनता कांग्रेस ने प्रदेश में सोना और हीरे के खनन को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमित जोगी ने प्रदेश में सोना और हीरे के खनन का टेंडर निजी हाथों को सौंपे जाने को लेकर विरोध जताया है। इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर टेंडर निरस्त करने की मांग की है। वही मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अमित जोगी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने आनन फानन में 6 जुलाई को एक टेंडर जारी किया, जिसमें 3000 हेक्टेयर जमीन पर सोना और हीरे का खदान है। इसके लिए निजी कंपनियों से निविदा मंगवाया गया, जिसका जोगी कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अगर प्रदेश में सोना और हीरे का खनन करना है तो इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी NMDC या CMDC के हाथों सौंपना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश से एक रत्ती सोना और हीरा किसी को निकालने नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर जोगी सरकार ने कांग्रेस सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भेजकर टेंडर निरस्त करने की मांग की है। अमित जोगी ने पूरी मांग नहीं होने पर सरकार ने कभी ना देखा हो ऐसा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रेसवार्ता में मौजूद रेणु जोगी ने विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस की दावेदारी की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले बार भी पार्टी ने जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी जनता के भरोसे पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जोगी कांग्रेस के बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा के इस्तीफे को लेकर कहा कि उनका इस्तीफा अब तक उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रमोद को छोटे भाई की तरह मानती थी और उनके इस फैसले से वे आहत हैं। पहले हम लोग लड़े थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, अब लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। भूपेश बघेल जी की सरकार के मात्र 3 महीने भी नहीं बचे हैं और उन्होंने आनन फानन 6 जुलाई को ये टेंडर जारी कर दिया, जिसमें 3000 हेक्टेयर हमारे प्रदेश का जो सोना और हीरा खदान है उसके लिए निजी कंपनियों से बिड बुलवाए गए हैं। इसका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पुरजोर विरोध करती है। हम प्रदेश से एक रत्ती सोना एक रत्ती हीरा किसी को यहाँ से निकालने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे खनन होना है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है CMDC है NMDC है वो करे, निजी हाथों में यहाँ का हीरा और सोना हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, ये जो उनका टेंडर है इसको विड्रॉ करें, इसको निरस्त करें, नहीं तो फिर ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार ने भी नहीं सोचा। ऐसे कंडीशन में कैसे तैयारियां हैं, किस तरह से आप आगामी चुनाव लड़ेंगे? जी चुनाव तो लड़ेंगे ही, क्योंकि मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं और आशा करती हूँ कि इसका परिणाम अच्छा होगा। हम लोग पूरी शक्ति पूरा दमखम लगाएंगे उसमें और जनता हमारी विचारधारा को समझते हुए, जैसे पिछली बार उन्होंने मुझे जिताया था, बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, तो इस बार भी वो जनता पर भरोसा करके हम लोग चुनाव में उतरेंगे।